फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप के काफी अच्छे होंगे। तो अभी जो है दोपहर का 1 बज चुका है और आप देख सकते हैं कि मैं अभी जो है शावर लेकर आई हूँ। तो गाइस, गर्मी काफी हो रही है, प्लीज अपना ध्यान रखिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए, जितना ज्यादा पानी हो सके उतना ज्यादा पानी पीजिए, और जो सीजनल फ्रूट हैं जैसे वाटरमेलन, मस्कमेलन, उन्हें खाते रहिए, क्योंकि वो भी आपकी बॉडी में जो पानी की जितनी भी कमी होती है ना उसे पूरा करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी शावर लेकर आई हूँ तो सबसे पहले अपना टोनर यूज करूंगी, और आप देख सकते हैं मेरा टोनर जो है खत्म ही हो गया है। तो मैंने जो है नया टोनर मंगा लिया था, ये मैंने ग्रोफर से मंगाया था, आई थिंक या बिग बास्केट से, शायद बिग बास्केट से मंगाया था। और ये है बायोटिक का बायोकूपर पोर टाइटनिंग टोनर, काफी अच्छा टोनर होता है, समर के लिए बेस्ट टोनर है। तो अगर आपको चाहिए तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। इतना मेरा जो है टोनर एब्जॉर्ब होता है, मैं इतना जो है अपना सिंदूर लगा लेती हूँ, क्योंकि आज हेयर वॉश किए हैं तो सिंदूर लगाना तो बनता है। तो आज मैं फिंगर की हेल्प से लगाऊंगी, क्योंकि फिंगर की हेल्प से लगाना भी ना मुझे काफी अच्छा लगता है। तो बस सिंदूर अप्लाई कर लिया, टोनर जो है मेरा इतना जो है एब्जॉर्ब हो गया, और मेरे जो हेयर है ना वो काफी व्हाइट हो गए हैं गाइस। तो आज मैं अपने लिए ना हिना पैक भी बनाऊंगी। और गाइस, टोनर हो चुका है एब्जॉर्ब, अब मैं लगाऊंगी अपना फेवरेट एलोवेरा जेल, और समर में मैं सिर्फ इसे ही यूज करती हूँ और कुछ भी नहीं। मैं एलोवेरा जेल ही लगाती हूँ, क्योंकि जो क्रीम वगैरह होती है ना वो काफी हैवी लगती है समर में, और चिपचिपी सी भी। तो आप भी कोशिश किया कीजिए कि आप कोई सा भी जेल यूज कर सकते हैं, ये पतंजलि वाला ही यूज करती हूँ, मुझे ये काफी अच्छा लगता है। तो बस अब मेरा जो है स्किन केयर हो चुका है, बस लास्ट चीज है मेरा बाम, और ये जो लिप बाम है मुझे काफी ज्यादा पसंद है, मतलब आपको लिपस्टिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है इसे लगाने के बाद। आप देख सकते हैं कितना अच्छा जो है इसका कलर आया है। तो बस हो गया मेरा जो है स्किन केयर, अब करना है हेयर केयर। तो क्योंकि हेयर वॉश किए हैं तो लिमोन लगाऊंगी, और ये भी मैंने आई थिंक बिग बास्केट से ही मंगाया था, काफी बड़ा पैक है ये, तो इसे लगाऊंगी हेयर पर। चलिए, मेरा हो गया सारा स्किन केयर हेयर केयर, अब बनाना है लंच, जैसा कि 1 o'clock पहले ही हो चुका है तो आज मैं लेट हो गई हूँ। तो चलिए अब किचन में चलते हैं और देखते हैं कि आज लंच में क्या बनाना है। तो फ्रेंड्स, आ गई हूँ किचन में, और मैंने अपने लिए कट किया है मस्क मेलन, इसे अभी जो है फिनिश करूंगी, उसके बाद अपना लंच बनाना स्टार्ट करूंगी। और गाइस प्लीज, मतलब मैं जितनी भी लेडीज जो मुझे देख रही हैं अभी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हम पता क्या करते हैं, हम अपनी फैमिली का ध्यान अच्छे तरह से रखते हैं, हम अपने हस्बैंड की केयर करते हैं, अपने बच्चों की केयर करते हैं, बट जब हमारी अपनी केयर की बात आती है ना तो हम कहीं ना कहीं वो सब कुछ भूल जाते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब ना एक फ्रूट दिन में जरूर खाया कीजिए, मतलब सब पूरी फैमिली को तो खाना ही है, लेकिन आप अपना भी ध्यान रखिए, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगी तो आपकी फैमिली भी स्वस्थ रहेगी। तो बस अभी जो है मैं ये मस्कमेलन एंजॉय करूंगी। तो मैं आ गई हूँ किचन में, और अब बनाने वाली हूँ मैं मलाई सोया चाप। तो बस यही बन रहा है, और मैंने इसकी थोड़ी सी प्रिपरेशन कर ली है, वो आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 से 3 टमाटर, और ये 2 जो हैं बड़ी बड़ी अनियन थी वो मैंने कट कर लिए, मोटे मोटे पीसों में ही कट की हैं। और ये हैं 4 से 5 काजू। काजू डालने से क्या होगा कि आपकी जो ग्रेवी है वो थोड़ी क्रीमी हो जाएगी। और 4 से 5 है यहाँ पर जो है गार्लिक, और मेरे पास जो है जिंजर नहीं था तो इसलिए मैंने जिंजर नहीं लिया। अगर आपके पास जिंजर हो तो आप 1 इंच टुकड़ा जो है जिंजर का ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इन्हें जो है अच्छे से सोटे कर लूंगी, और फिर उसके बाद इन्हें जो है मिक्सी में पीसना है। उससे पहले मैं क्या करूंगी, जो मेरी ये सोया स्टिक है इन्हें मुझे जो है बॉईल करने के लिए रखना है, तो सबसे पहले मैंने बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर जो अपनी जो मेरी सोया चाप थी उन्हें जो है वॉश कर लिया है, और अब मैं जो है बॉईल करने के लिए रखूंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर जो है पैन रख दिया है, अब मैं ये जितनी भी मेरी सब्जियां वगैरह है मैं एक एक करके जो है इसमें डालूंगी। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर अनियन डालनी है, और उसके बाद मैं डालूंगी यहाँ पर गार्लिक, और आपको जो है ना अच्छे से
चलाते जाना है। आप चाहें तो इसमें जो है थोड़ा सा ऑयल भी डाल सकते हैं, बट मैं बिना ऑयल के ही इन्हें जो है सोटे कर रही हूँ। तो आपको जो है सिर्फ हल्का सा सॉफ्ट होने देना है अनियन को, ज्यादा जो है गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। तो जब हमारी अनियन सॉफ्ट हो जाएगी उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें अपने टमाटो। तो गाइस हमारी जो अनियन है वो सॉफ्ट हो चुकी है, तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटो। और टमाटो को भी आपको जो है 1 से 2 मिनट चलाना है। और मैं ये जो काजू है ये भी यहीं पर डाल दूंगी और आपको इसे चलाते जाना है। जो टमाटर है वो भी हल्के से जो है सॉफ्ट हो गए हैं, तो अब हमें क्या करना है, अब मैं इसमें जो है थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। ज्यादा पानी आपको ऐड नहीं करना है, थोड़ा सा ही। इसमें मैंने जो है आधा ग्लास से कम पानी ही ऐड किया है। और उसके बाद आप इसे ढककर जो है 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स हमारी जो सोया चाप थी वो भी बॉईल हो चुकी है। मैंने सिर्फ 2 सीटी इसमें लगाई हैं, उससे ज्यादा आपको नहीं लगानी है। तो जब प्रेशर कुकर ठंडा हो जाएगा तो हम उन्हें इसमें से निकाल लेंगे। और अब देखते हैं अपनी जो हमने वेजिटेबल्स कुक होने के लिए रखी थी वो सॉफ्ट हुई कि नहीं। तो फ्रेंड्स अब देख सकते हैं कि हमारी जो सब्जी है वो भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब मैं इसे जो है ठंडा होने के लिए फैन के नीचे छोड़ दूंगी, और जब ये ठंडा हो जाएगा तभी आपको जो है इसे मिक्सी में पीसना है। गरम गरम को ना पीसे, वरना मतलब जो मिक्सी का जार है ना वो फटने का डर रहता है। तो अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसे ठंडा होने के लिए फैन के नीचे रख देती हूँ। तो हमारी जो सोया चाप थी वो है बॉईल हो चुकी है, तो अब हमें जो है ना तेल में फ्राई करना है। तो मैंने यहाँ पर अपने एक पैन में जो है ऑयल डाल दिया है और अब मैंने इसमें फ्राई करूंगी। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जो हमारी सोया स्टिक थी वो है अच्छे से फ्राई हो गई है। तो मैं एक एक करके उन्हें जो है पैन में से निकाल लूंगी और उसके बाद जो है सब्जी बनाने की तैयारी करूंगी। तो यहाँ पर जो है मैंने अपनी जो प्योरी थी उसे बना लिया है जब तक मेरी जो है स्टिक फ्राई हो रही थी। तो यहाँ पर मैंने तेल को थोड़ा सा कम कर लिया है पैन में, और उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जैसे लौंग है 3 से 4 ही काली मिर्च है, एक छोटी इलायची है और एक दालचीनी का टुकड़ा है। उन सबको जो है ऑयल में डालकर अच्छे से आपको भून लेना है। और जब ये भुन जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा। तो और जीरा भुनने के बाद मैं यहाँ पर जो है हल्दी और कश्मीरी मिर्च डालूंगी। तो यहाँ पर आप जब हल्दी और कश्मीरी मिर्च ऐड करते हैं तो आपकी जो ग्रेवी है उसका कलर काफ़ी सुंदर आता है, रेड रेड सा कलर हो जाता है उसका। तो इसलिए मैं इसी स्टेज पर जो है हल्दी और मिर्च को ऐड करना प्रेफर करती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपनी जो प्यूरी बनाई थी टमाटो और अनियन की वो यहाँ पर मिक्स कर ली है, और आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है मेरी प्यूरी का। तो बस अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो है कुछ देर के लिए ढककर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। आपको जो है 5 से 6 मिनट तक इसे ऐसे ही लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देना है। तो 5 से 6 मिनट बाद जब आप देखेंगे तो हमारी जो प्यूरी है वो अच्छे से पक गई है। तो मैं यहाँ पर जो है धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, और अगर आपके पास सोया चाप मसाला हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर नहीं था इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। तो बस अब धनिया पाउडर का इसमें अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ना जो है मैंने जो मेरी सोया चाप स्टिक थी उन्हें भी एक स्टिक को 3 पीसेस में कट कर लिया है, और जो मेरी ग्रेवी थी वो थोड़ी मुझे गाढ़ी लग रही थी इसलिए मैंने उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है इसकी कंसिस्टेंसी रख सकते हैं, आपको जितनी गाढ़ी या पतली रखनी है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है ग्रेवी को पानी डालने के बाद भी पकने के लिए छोड़ दिया था। तो अब आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर जो है हमारी ग्रेवी का हो गया है, रेड रेड। और अब इसमें मिक्स करेंगे हम क्रीम। तो अगर आपके पास रेडीमेड क्रीम नहीं है तो आप अपने घर की ताज़ा मलाई भी इसमें ऐड कर सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्या है गरम मसाला,
और यहाँ पर जो है आपको सॉल्ट ऐड कर देना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इन दोनों को भी अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर जो है 1 से 2 मिनट पकने के लिए छोड़ दीजिए। और उसके बाद हम ऐड करेंगे अपनी जो सोया चाप कट करके रखी थी, और इसे अच्छे से मिक्स करके 3 से 4 मिनट इसे और पकने देंगे, जिससे जो है ग्रेवी हमारी सोया चाप के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी। और अब आप देख सकते हैं कि हमारी सब्ज़ी बनकर रेडी हो चुकी है, कितना प्यारा कलर आया है। और उसके साथ साथ जो है मैंने यहाँ पर अपने जो है पराठे बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है, क्योंकि चाप के साथ जो है या तो रुमाली रोटी अच्छी लगती है या फिर नान या पराठे वगैरह। तो अभी बाहर से तो कुछ नहीं मंगा सकते, इसलिए मैं घर पर ही जो है पराठे बना रही हूँ ट्रायंगल शेप वाले, क्योंकि इसके साथ जो है लेयर वाले पराठे काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो बस लंच हो गया है रेडी। खाना लेकर आ चुकी हूँ अपने बेडरूम में और एसी चला लिया, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना, बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ एसी चला के आराम से खाना खाऊंगी। वैसे एसी बाहर भी है ड्राइंग रूम में, बट वहाँ का एसी पता नहीं क्यों ना वर्क नहीं कर रहा है, वो तो कूलिंग ही नहीं कर रहा है। तो अभी बाहर से किसी बंदे को हमने बुलाया नहीं है, तो अभी बस एक हमारे इस वाले रूम का ही एसी सही से चलता है बेडरूम का, दूसरा वाला रूम है उसका एसी भी नहीं चल रहा है। तो यहीं पर जो है बैठ के आराम से जो है लंच करती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन, मिल रही हूँ आपसे काफ़ी देर बाद। तो अभी इवनिंग के 5:30 हो गए हैं और मैं जस्ट अभी उठी हूँ, हल्की सी नैप ली थी, थकान सारी उतर गई है। 3 बजे तो लंच ही किया था, उसके बाद थोड़ा बहुत बस ऐसे ही डुकू के साथ खेली, और उसके बाद थोड़ी थकान हो गई तो मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, तो हल्की सी जो है नींद आ गई। तो अभी उठी हूँ, अभी इवनिंग का जूस या जो कुछ भी पीना है वो पीऊँगी, चाय तो नहीं पीऊँगी क्योंकि काफ़ी गर्मी हो गई है, तो गर्मी में मुझे चाय पीने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। तो जूस वगैरह लूँगी और अपनी अभी मेहंदी भिगो के रखनी है मुझे, जो अपने हेयर पर कल अप्लाई करूँगी, क्योंकि अंदर ना मेरे काफ़ी जो है मुझे वाइट हेयर नज़र आ रहे थे, तो मैंने सोचा मेहंदी भी जो है अप्लाई कर लेती हूँ। तो बस यही चलता रहता है। और गाइज ये था मेरा एक दिन जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया, आई होप आपको ये मेरा दिन आज का पसंद आया होगा। गाइज अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, जिससे कि मैं जब भी अपनी नई वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो मिलती हूँ आपसे अपनी एक अच्छी सी वीडियो के साथ।